आज हम मैथ का एक टॉपिक ले रहे हैं, रेल संबंधी प्रश्न। मतलब रेलवे जैसे ट्रेन है, आ रही है, जा रही है, उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में रेल संबंधी क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। तो उनके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स बना दी मैंने, यहाँ पर मैथ इजीली सॉल्व किया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले यह है कि अगर स्पीड दे रही है तो किलोमीटर पर आवर में दे रही है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास में स्पीड है उसको 5 × 18 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर हमारे ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 × 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो भी आएगी, देखो इसमें कितने भाग जा रहा है, 6 × 6 = 18, ये हो गए 50/3, उसे भाग करो तो 3 × 3 बचे हुए 2, 20 हो गए 6.66 मीटर पर सेकेंड, 16.66 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रही है, उसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इसका जस्ट उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कोई स्पीड दे रही है 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो उसको किलोमीटर पर घंटे में बदल दिए, तो करेंगे क्या, इसको 9 को 18/5 से मल्टीप्लाई करो, जितना भी जाएगा ये स्पीड होगी इसकी किलोमीटर पर आवर। जैसे 9 × 9 = 16, 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 4, ये हो जाएगी इसमें किलोमीटर पर आवर। इस तरह से स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर को मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में एक दूसरे में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी होगी, उसको हमें काम लेनी है मीटर पर सेकंड में बदल के, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति जा रहा है बगल में, तो या फिर उसको पार करने में कुछ सेकेंड लगते हैं, तो स्पीड हमें बदलनी पड़ेगी इसमें। और ट्रेन ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक ट्रेन के बगल में से एक व्यक्ति गुजर रहा है, ठीक है, तो वो कितने सेकंड, ट्रेन उस व्यक्ति कितने सेकंड पार कर लिया, कितने समय पार कर लिया, तो उसमें सेकंड लगते हैं, उस सेकंड में ही बदलना जरूरी है इसको, ठीक है। हाँ, अब अगला लेते हैं, मान लो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है x है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में, जिसमें भी है हमें मीटर पर सेकंड में बदल लेनी है, ठीक है। अब एक व्यक्ति जा रहा है, अगर और एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड है, जिसे पर्सन से स्पीड, कोई व्यक्ति है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हाँ, मान ट्रेन की लंबाई 6 मान लेते हैं, 1 मीटर, ठीक है, और व्यक्ति की लंबाई तो मानी गई थी, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, पहली कंडीशन इसके लिए ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, है तो ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय, ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय
क्या होगा? t बराबर, देखो टोटल लंबाई कितनी है जिसको पार कर रहे हैं, जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई हमने क्या माना था, t मीटर, ठीक है। अब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। मान लो ट्रेन इसी स्पीड जा रही है और इसी स्पीड में व्यक्ति जा रहा है, मान लो इसकी स्पीड एक्स है, इसकी वाई है, तो इनकी सापेक्ष गति कितनी होगी, एक्स माइनस वाई, क्योंकि इनके बीच में देखा जाए तो गति कितनी होगी, इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो उतनी इसकी सापेक्ष गति होगी, तो एक्स माइनस वाई सेकेंड, ठीक है, इतना समय लगेगा इसका। अगर मान लो दूसरी कंडीशन, यदि ये विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, यदि विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, है तो यहां पे समय कितना हो जाएगा, t बराबर, देखो लंबाई कोई नहीं है ट्रेन, बस क्या है कि जो सापेक्ष गति है, देखो ट्रेन जा रही है इधर से, व्यक्ति आ रहा है इधर से, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, तो एस प्लस वन सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गई व्यक्ति या फिर कोई खंभे की, जैसे एक खंभा खड़ा है उसको पार करने में कितना समय लगता है, ठीक है। अगर खंभा खड़ा है तो यहाँ पर वाई का मान जीरो हो जाए, फिर खड़ा है वो, ठीक है। हाँ, आगे एक और कंडीशन है कि कोई रेलवे प्लेटफॉर्म दे सकता है या कोई पुलिया दे सकता है, ठीक है, या फिर बगल में कोई दूसरी ट्रेन दे सकता है, ठीक है। तो जैसे वहां रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने लगा, रेलवे प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में लगा, ये चीज पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या देगा, स्पीड देगा ट्रेन की, रेल की स्पीड, रेल की गति देगा, चाल देगा, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे एक्स, जिसमें भी दे रखी है उसको हम बदल लेंगे किलोमीटर मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, वैसे दे रखा होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है वो रुका हुआ है, रेल की लंबाई 1 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 मीटर मानेंगे इसको, ठीक है। अब देखो ट्रेन आ रही है, ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब जैसे मान लो ट्रेन ने यहाँ से एंट्री की, ठीक है, तो यहाँ से इसको पार करने में यहाँ से स्टार्ट होगा और जब तक ये ट्रेन इसको पार करके यहाँ तक, मतलब टोटल लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी लंबाई होगी, मतलब दोनों से देंगे, इसका मतलब है कितना समय लगेगा, टी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाप, ठीक है। तो दूरी क्या होगी, ए प्लस बी, चाल क्या यहाँ पर सिर्फ ट्रेन ही चाल होगी, प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है, तो एक्स, ठीक है, ये निकलेगा इसमें सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये हो, जैसे प्लेटफॉर्म की जगह पुलिया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही चीज़ है, पुलिया भी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, ठीक है। अब एक नई कंडीशन और आती है कि अगर इस प्लेटफॉर्म की जगह प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई रेल है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी कंडीशन के लिए क्वेश्चन आता है, एक रेल द्वारा दूसरे रेल को पार करने, एक रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय, ठीक है। तो यहां पर पहली रेल की चाल एक्स मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर पर आवर दे रखी होगी, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, और दूसरी की होगी वाई मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है।
इसी तरह से पहली रेल की और इसी तरह से दूसरी रेल की लंबाई भी है, ठीक है। अब दोनों रेलों को एक दूसरे से पार करने में लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि जब ट्रेन दोनों एक दिशा में चल रही है, मतलब सापेक्ष गति क्या होगी उनकी, घट जाएगी। जब रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गति कर रही है, एक ही दिशा में गति कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, समय बराबर t बराबर, देखो सूत्र क्या होता है, समय का दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या निकलेगी इसमें, देखो a, ये एक ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, दूसरे कम है, तो ये यहां से एंटर करेगी और जब ये निकलेगी, मान लो यहां से की, और जब निकलेगी तब इसका पिछला हिस्सा यहां तक होगा, तो ये टोटल नंबर ये ऐड हो जाएगी इस तरह से, टोटल लंबाई तो a प्लस बी बटे चाल क्या होगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल एक दूसरे की चाल में से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक्स माइनस टू वाई ये होगी, ठीक है, बस वही सेकंड में लेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गति कर रही है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, t बराबर a प्लस बी, वही सेम कंडीशन है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से करो, एंड लंबाई दोनों बराबर रहेगी दोनों कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे तो चाल घट रही है, ये जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से पार करेंगे तो इसकी भी और इसकी भी सापेक्ष गति जुड़ जाएगी, तो s प्लस बी ये हो जाएगी, ये भी सेकेंड, ठीक है, एक कंडीशन ये है। अब एक कंडीशन और हो सकती है इसमें, ठीक है, कि इस ट्रेन की जगह कोई व्यक्ति हो सकता है, दूसरी ट्रेन की जगह कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी चाल तो हम काउंट करेंगे लेकिन उसकी लंबाई हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी या कोई व्यक्ति या कोई भी चल रही चीज है उसकी लंबाई बहुत कम होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी का मान हम जीरो कर देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में वहाँ रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी की जगह कोई व्यक्ति हो दूसरा, तो वहाँ पर बी का मान जीरो मानिए, तब ए बटे एक्स प्लस वाई या ए बटे एक्स माइनस वाई लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने इस तरह से फॉर्मूले बनाई है, ट्रिक बनाई है, इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इससे बहुत सारे जो प्रोग्राम हो सॉल्व हो जाएंगे सिंपल सिंपल, और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए हुए भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर चाल दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, 60 मीटर लंबी, ठीक है, चाल हम x मानते हैं, x, ठीक है, x लीजिए इसको, और दूसरा दे रखा है इसमें 60 मीटर, ये मानेंगे 60 मीटर लंबी रेल, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, समय, समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये प्रॉब्लम बहुत काम में आने वाला है, इसको भी लिख लेना, ठीक है। ये हर जगह काम में आता है, कोई जरूरी नहीं कि ये रेल संबंधित हो, जैसे नाव का, जैसे बोट का और बोट और स्क्रीन, उसमें भी ये फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है, और भी कई जगह ये काम में आता है। तो दूरी क्या है इसमें, 60 मीटर, चाल क्या है, 72, लेकिन अब इसको हमें किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर मीटर दे रहे हैं इसे, तो बदलो इसको, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 18 बन जाओ
60 में 20 का भागेंगे तो 3, मतलब 3 सेकंड लगे इसको पास करने में, ठीक है। इसलिए हम लोग पास करने में सिर्फ 3 सेकंड लगे, इतना ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं दूसरा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी मतलब एक का मान दे रहा है 350 मीटर, ठीक है, और दे रहा है 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रही है, एक्स का मान 54 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल लो इसमें 54 × 5/15 चाहती है 54 मीटर, 5 × 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गई मीटर पर सेकंड की चाल, ठीक है। चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, अब यहाँ बी का मान दे रखा है कितने मीटर लंबी देखिए 250 मीटर लंबी, 250 मीटर लंबी, ठीक है। अब इस गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे समय पूछ रहे हैं, समय क्या होता है फॉर्मूला समय का, दूरी बटे चाल, ठीक है। देखो दूरी क्या है, मान लीजिए ट्रेन है और ये कोई गुफा है जिसमें जो इसको पार निकलना है, तो यहाँ से एंटर करेगी और तब तक यहाँ छोड़ जाएगी इसको, तो तब तक ये जो पूरी दूरी है ये इसकी दूरी बन जाएगी, इसका मतलब है गुफा की दूरी और ट्रेन की दूरी दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो 350 प्लस 250 बटे चार कितनी है 15, ऐड करो दोनों को 300 + 5 = 600 में 15 बढ़ गया तो 15 × 20 = 15 = 60 तो ये 0 40 सेकंड, ठीक है। स्प्रेन को उसको गुफा पार करने में सिर्फ 40 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई 7 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पे बी दे रखा है, एक तो हम रेलगाड़ी की लंबाई मानते हैं और बी मानते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है। और एक खंभे को पार करने में 4 सेकंड लगते हैं, तो ये टी वन मान ले इसको, टी टू मान ले 4 सेकंड, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में याद कीजिए, ठीक है। तो उसे मान लेते हैं, क्या माने रेलगाड़ी की स्पीड, रेल की चाल एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेल की चाल, रेल की लंबाई मान रहे हैं, चाल नहीं लंबाई, लंबाई मानते हैं ना, तो चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी क्या है यहाँ पे 120 मीटर, ठीक है, प्लस यहाँ पे दूरी दे रखी है, हाँ देखो रेल की चाल निकालेंगे, एक्स लंबाई है और टाइम दे रखा है व्यक्ति, तो एक ही तरफ निकालेंगे पहले, तो रेल की नहीं व्यक्ति की चाल निकालेंगे, कितना दे रखा है एक्स बटे 4, तो जी समय दे रखी है ये लंबाई दे रखी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चाल है किसकी, रेल की चाल हो जाएगी, ठीक है। और इसको दूसरी कंडीशन में कैसे निकल गया है, जब एक्स इसकी लंबाई है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 है,
ठीक है, उस टाइम पे इसको टाइम लगता है 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी इसकी हो जाएगी सवाल। अब ये भी साथ, ये भी साथ, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो एस बटे 4 बराबर एक्स प्लस 120 बटे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, इससे इसको करें तो 10x बराबर, इसको इससे किया तो 4x प्लस इसको इससे किया तो 480, इधर ले लो इसको, तो 10x माइनस 4x बराबर 480, ठीक है। कितने बचे, 6x बराबर 480, x बराबर 480 बटे 6, तो 6 × 48 ये क्या हो गई, हमने इसकी लंबाई मानी थी तो 80 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है। और ट्रेन की चाल निकाल दी है, तो चाल बराबर क्या होगी, हमारा थी जरा 80 बटे 4, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पे 80 है, भाग दिया कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, हमें निकालना किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो 20 को मल्टीप्लाई किया 18 बटे 5 से, 520 × 18 = 72 किलोमीटर पर आवर। ये चीज दो चीज़ें पूछी थी इसमें क्वेश्चन में, तो ये चीज़ हम निकालते, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं जरूर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, चौथे नंबर का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है। तो 62 किलोमीटर पर घंटा चाल दे रखी है यहाँ में, 62 किलोमीटर पर, ठीक है। तो इसको बदल लो इसमें मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो किसका भाग जाएगा इसमें, बदलो इसको जैसी भी है, ठीक है। तो 62 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उस दिशा में 8 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति, हाँ पहले तो इसको ऐसे ही, ठीक है। और जो व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है 8 किलोमीटर पर, ठीक है। तो सापेक्ष गति क्या होगी, एक दिशा में चल रहे हैं मतलब 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 54 किलोमीटर पर। अब इसको बदलो इसमें मीटर पर सेकंड में, तो 18 × 14 = 3 × 5 बराबर 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये स्पीड हो गई इसकी सापेक्ष गति। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई दे रही है 120 मीटर, ठीक है। तो यह व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं ए बराबर 120 मीटर। अब समय पूछ रहा है कि वो ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, तो सी बराबर क्या निकालेंगे, दूरी बटे चल ए बटा ये जो एक्स माइनस वाई लिया था हमने, ये ए 120 बटे इसका मान निकाल चुके हैं 15, तो 15 × 120 8 सेकेंड, ये 8 सेकेंड में उस व्यक्ति को ट्रेन पार कर लेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन और करते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं इनसे, भार कुछ नहीं हो जाता, पर अभी डबल ट्रेन वाले क्वेश्चन आए नहीं अभी, तो उस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पांचवें नंबर, पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी, ठीक है। तो एक्स दे रखी है हमने 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए का मान दे रहा है 200 मीटर, अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे हैं, वाई का मान दे रखा है 8 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से, तो व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ये जस्ट इसका उल्टा है कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, तो टाइम उल्टा है इसमें, ठीक है। तो वो इसका लगेगा ए बटे एक्स, सामने से आ रही मतलब कितनी स्पीड एड दे, तो देखो 200 बटे 64 प्लस 8, ठीक है, ये किलोमीटर पर घंटे में इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे इसको, ठीक है। तो 200 बटे ये कितने हो गए 72 इंटू 5 बटे 18 1872, 200 बटे 520 कितने हो गए 10 सेकंड पार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन छठे नंबर का, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब एक हमारा दे रखा है 100 मीटर, इसके विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, देखो व्यक्ति की हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं 5 किलोमीटर पर, ठीक, और क्या दे रखा है इसमें, अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करने की, टी दे रखा है 6 सेकंड, ठीक है। तो अभी उधर रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो अपनी ओर आते हुए मतलब फॉर्मूला ये लगेगा टी बराबर ए बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो टी दे रखे 6 सेकंड, ए का मान 100 मीटर, ठीक है, एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है, y का मान यहाँ दे रखा है 5, ठीक है, हाँ यहाँ सेकंड में दे रखा है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड में चाल होगी, और हमारे पास चाल दे रखी है किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम बदलेंगे इसमें मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो इसको इधर सॉल्व करो, देखो 200 मल्टीप्लाई करके तो 5 बटे 18 6 और एक्स प्लस 5 बराबर 100 36 18, तो एक्स प्लस 5 बराबर 100, ये 3 नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 बराबर इसमें किया 20 को 3 से किया तो 60, एक्स प्लस 5 बराबर 60, तो एक्स बराबर 60 माइनस 5 मतलब एक्स बराबर 55, ठीक है, एक्स बराबर 55 मीटर, एक्स क्या मानते हैं, चाल मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूछ क्या रहा था, चाल पूछ रहा था, ठीक है, और ये चाल किसने लिया है, किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, मैंने यहाँ किलोमीटर पर घंटे में लिया, तो किलोमीटर पर ये हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वही है, लेकिन बस अलग चीज पूछी थी कि यहाँ पे चाल निकाल के बताओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, लगभग इसी तरह की जो कि ये 5 टाइप के क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ नहीं घूमता, इनसे सब नहीं, सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं 6-7 क्वेश्चन में, तो 6 कर चुके हैं, ये 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, 120 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, पहली रेलगाड़ी 120 मीटर की है, दूसरी रेलगाड़ी 114 मीटर की है, पहली 120 की दे रखी है, ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में, एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है 42 किलोमीटर पर, ठीक है, चाल से जा रही है, मिलने के कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, तो टी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशाओं में आ रही है, मतलब आपके सामने मतलब दो चीज है एट लाइन, ए प्लस बी बटे एक्स प्लस वाई, ये दूरी है, ये चाल है, तो
दूरी बटे साल होता है समय को 126 प्लस 114 बटे 30 प्लस 42 ऐड करो कितने हो गए 250 बटे कितने हो गए 72। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलो 5 बटे 18 बजे 18 ठीक है। यहाँ देखो t बराबर 250 बटे 520 एक जीरो से एक जीरो काट दिया 25 बटे 2 सेकंड मतलब कितने हो गए 12.5 सेकंड लगेंगे। इसको दोनों ट्रेनों को आपस में एक दूसरे को पार कर लेंगे ठीक है। एक मिनट एक यहाँ इनको दोबारा जोड़ते हैं कितना होता है 26 की 40 होते हैं सही है 40 यहाँ पर 40 हो जाएगी तो पूरा पूरा बन जाएगा ठीक है। ये 12 सेकेंड ही होंगे ऐड करने में ठीक है। हाँ अगर रेट से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये समस्या है तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर इसी तरह की और क्वेश्चन या मैच से संबंधित किसी भी समस्या का सॉल्व पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताना जरूर है ठीक है।